दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे, हम सीखेंगे कि आखिरकार फोन पे का अगर हम यूपीआई पिन भूल जाते हैं तो हम अपने फोन पे एप्लीकेशन का यूपीआई पिन कैसे पता करेंगे। यानी कि जैसे कि आपने एक महीने दो महीने पहले अपना फोन पे एप्लीकेशन चालू किया था, चालू करने के बाद दोस्तों क्या हो गया कि अब अपना फोन पे का जो यूपीआई पिन है वो आप भूल गए हैं। यानी कि जब आप बैलेंस को चेक करते हैं या आप कहीं पर भी मनी ट्रांसफर करते हैं तो आप अपने जो बैंक का यूपीआई पिन है वो आप भूल गए हैं, जैसे ये वाला। तो आखिरकार अपना यूपीआई पिन कैसे पता करेंगे और कैसे आपको पता चलेगा? आपके सामने कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आता होगा जब आप अपना यूपीआई पिन डाल रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं अपने यूपीआई पिन को पता करने के लिए। मैंने यहाँ पर कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर यूपीआई पिन रीसेट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो हम आपके लिए बता देते हैं कि फोन पे एप्लीकेशन में एक महीने में, दो महीने में या तीन महीने में नए अपडेट आते रहते हैं, तो जो फीचर्स होते हैं वो इधर से उधर हो जाते हैं। आपको फीचर्स देखना पड़ेगा कि वो फीचर्स कहाँ पर हैं। जैसे कि मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था कि आपको माई मनी के ऑप्शन में जाना होगा, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माई मनी का ऑप्शन ही नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको माई मनी का एक ऑप्शन दिख रहा था कुछ दिन पहले, लेकिन अब यहाँ पर नहीं है। तो यही सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारे में ऑप्शन ही नहीं है। तो अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर मिलेगा प्रोफाइल और आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा, यहां पर दिखाई देगा बैंक और आपको अपने बैंक पर क्लिक करना है। जैसे आप बैंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने सारे के सारे बैंक अकाउंट आ जाएंगे, जिस बैंक अकाउंट को आपने लिंक किया होगा। अब आप जिसका यूपीआई पिन भूल गए हैं अपने बैंक पर क्लिक करना है, जैसे कि अपने इस वाले का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक आ जाएगा चेंज करने का और एक आ जाएगा रीसेट करने का। चेंज करने का मतलब होता है जाता है कि आपको अपना पुराना वाला पता है, जैसे कि बोला जा रहा है कि इंटर 6 डिजिट ओल्ड यूपीआई पिन, तो यहां पर आपको अपना पुराना वाला यूपीआई पिन इस तरीके से डाल देना है, उसके बाद राइट करना है और आपको एक अपना नया वाला यूपीआई पिन बना लेना है, जो भी आप बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप भूल गए हैं, आपको पता नहीं है पुराना वाला, तो फिर आप यहां से आ जाएंगे बैक। जैसे आप यहां से बैक आते हैं, अब यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रीसेट करने का, तो यहां पर आपको रीसेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने दो ऑप्शन निकल कर आ जाएंगे। अब इसमें एक नया अपडेट आ गया है कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड से भी बना सकते हैं, अगर आपके पास आधार कार्ड है। लेकिन यहां पर आपको टर्म एंड कंडीशन एक मिलेगी कि जो आपके बैंक में मोबाइल नंबर लगा है, यानी कि आपके बैंक में जो मोबाइल नंबर लगा है वही नंबर आपके आधार कार्ड में भी लिंक होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में वही नंबर लिंक है तो ही आप अपने आधार कार्ड से यूपीआई पिन को बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहां पर एटीएम कार्ड भी है और हमारे पास आधार कार्ड भी है, तो सबसे पहले बताते हैं कि अगर आपको एटीएम कार्ड से बनाना है तो अपने एटीएम कार्ड को चूज करना है, उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा आपके एटीएम कार्ड की डिटेल्स डालने का। तो जैसे कि हमारे पास ये है हमारा एसबीआई का एटीएम, तो यहां पर आपको क्या डालना होगा, तो यहां पर आपको सबसे पहले बोला जाएगा लास्ट 6 डिजिट, यानी कि आपके जो कार्ड का ये नंबर है ये वाला, ये आपका 16 अंकों का होता है, तो लास्ट के यहां से 6 अंक डाल देने हो सबसे आखिरी के। उसके बाद यहां पर बोला जाएगा वैलिडेट अप टू, यहां पर डालना होगा मंथ और ईयर। वैलिडेट अप टू का मतलब हो जाता है कि जो आपका ये कार्ड है, ये आपका एटीएम कार्ड, ये आपका कब तक वैलिडेट है, कब तक आपका ये एटीएम चलेगा, तो हमारा एटीएम चलेगा 05 यानी कि 0 यानी कि 5वें महीना 2027 तक। तो यहां पर आपको डालना होगा 05 और यहां पर आपको डालना होगा यहां पर 27 जो यहां पर पड़ा हुआ है, और उसके बाद प्रोसीड करेंगे। आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद फिर आपको एक नया यूपीआई पिन बना लेना है। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो फिर आप आधार कार्ड से बना सकते हैं। तो चलो हम आपको बताते हैं आधार कार्ड से कैसे बनाना है, तो इस पर हम हटा देते हैं, फिर से रीसेट पर क्लिक करेंगे। आधार का ऑप्शन आ रहा है तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद प्रोसीड। अब यहां पर आपसे बोला जाएगा कि आपको अपने आधार कार्ड के यहां पर 1st डिजिट इंटर करने होंगे। आपको एटीएम कार्ड में बोला गया था कि लास्ट के 6 डिजिट, लेकिन यहां पर बोला जाता है कि सबसे पहले के ही आपको 6 अंक एंटर करने होंगे, जो सबसे पहले के हैं। तो चलो हम यहां पर अपने सबसे पहले के 6 अंक एंटर कर लेते हैं
और उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा और यहाँ पर बताया जाएगा कि आपके बैंक से और आपके आधार कार्ड से ओटीपी आएगा। जैसे कि ये हमारा आधार कार्ड से ओटीपी आया, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर पड़ गया है, 041 है, 041 उसके बाद राइट। अब आपके बैंक की तरफ से एक ओटीपी आया होगा तो देख लेते हैं। तो हमारे बैंक की तरफ से जो ओटीपी आया वो ये है, देख सकते हैं, ये हमारा बैंक की तरफ से आया SBI। तो यहाँ पर जो ओटीपी आया हुआ है वो आया हुआ है 48 93 और 99। तो यहाँ पर डालेंगे 48 93 और 99, ओटीपी हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद फिर से अब यहां पर बोला जाएगा सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन। अब आप अपना जो भी नया यूपीआई पिन बनाना चाहते हैं वो आप बना लीजिएगा। जैसे कि हम बना लेते हैं, जो भी हमें बनाना है तो हम यहां पर अपना यूपीआई पिन डाल लेते हैं। उसके बाद राइट, वही यूपीआई पिन फिर से आपको यहां पर इंटर करना है जो आपने अभी अभी यहां पर बनाया है नया, और उसके बाद राइट। जैसे आप राइट करेंगे आपका जो यूपीआई पिन होगा वो यहां पर चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं, और ये हमारे आधार कार्ड से ही चेंज हो गया है। बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि हमारे आधार कार्ड से चेंज नहीं हो रहा है, तो एक कंडीशन याद रखना कि आपके आधार में और आपके बैंक में सेम मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस है, अपने बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन भूल गए हैं तो ऐसे पता कर सकते हैं। अब आप आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बैलेंस चेक करना है तो आप बैलेंस को भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। उसके बाद राइट, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा बैलेंस यहां पर शो हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से फोन पे एप्लीकेशन के अंदर आप अपनी बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन पता कर सकते हैं अगर आप भूल गए हैं, या फिर आप नया बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।